Hello everyone, welcome back to this channel, and today I am going to share with you about the PCS notification, the Public Service Commission notification from West Bengal. And it is about basically West Bengal Civil Service Examination 2021. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और अभी मैं इस नोटिफिकेशन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो बताऊंगा, जो जानना बहुत ज़रूरी है, शॉर्टली बताऊंगा ताकि कुछ टाइम भी सेव हो सके। इसका पीडीएफ मैं अगर ओपन करता हूं तो जैसे कि देख सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन ये है। और इस एग्ज़ाम में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि 3 स्टेप रहता है, और इसका प्रीली का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका डेट अराउंड मार्च अप्रैल में दिया गया है। एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं अनाउंस हुआ। और जैसे कि देख सकते हैं दिस एग्ज़ामिनेशन इज़ डिवाइडेड इनटू ABCD 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। और समथिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पे स्केल वाला वो कुछ है, वो आप लोग देख लेना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। और तो जैसे कि देख सकते हैं कि वैकेंसीज दिया गया है, लेकिन अभी तक वैकेंसीज के बारे में कुछ बताया नहीं गया, क्योंकि वैकेंसी कितना निकलेगा वो लास्ट में, एग्जामिनेशन लास्ट में अनाउंस होता है। और अगर लास्ट में देखें तो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन STSC और बैकवर्ड क्लास के लिए है, और अभी तक वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुआ है, इसीलिए कितना रहेगा वो भी अभी इस नोटिफिकेशन में अभी नहीं दिया गया है। और एक नोटिस करने के बाद जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, जो लोग स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अच्छा किए हुए हो और सर्टिफिकेट मिला है। तो जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारा स्पोर्ट्स यहाँ पे दिया गया है, स्पोर्ट्स का नाम, और उन लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन रहता है। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फिर देख सकते हैं एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए और एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड स्पीक इन बंगाली होना चाहिए। और अगर आप नेपाली मदर टंग से बिलोंग करते हो फिर आपके लिए ये रिकॉर्डेड नहीं है। और अभी अगर एज की बात करें तो देख सकते हैं कि 21 से लेके 36 ईयर तक एज लिमिट है ग्रुप ए और सी कैंडिडेट के लिए। ग्रुप बी सर्विस के लिए वो एज लिमिट है 20 से लेके 36 ईयर तक। और अगर ग्रुप डी में देखें तो फिर वो एज लिमिट है 21 से लेके 39। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट अगर देखें तो STSC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्स है और बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स तक एज लिमिट दिया गया है। स्पेशल कुछ कंडीशन है, जैसे कि देख सकते हैं कि ग्रुप बी कैंडिडेट के लिए मेल का जो हाइट रहना चाहिए 1.65 मीटर और फीमेल का जो हाइट रहना चाहिए 1.50 मीटर। और बेसिकली जो देख सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ अभी। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है वो है फीस के बारे में अगर देखें तो वो है 210 यानी कि 210 रुपये और 1% चार्ज लगेगा ट्रांजैक्शन का, जैसे कि देख सकते हैं। और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए ये फ़ी नहीं लगेगा, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्डेड। अगर लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो फिर ऑल पेपर्स कंपलसरी, ऑप्शनल, सब कुछ आपको इंग्लिश और बंगाली में देना पड़ेगा एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर। अगर एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो फिर देख सकते हैं यहाँ सब एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया गया है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, और साथ में कोड भी दिया हुआ है। और अभी के लिए कुछ नहीं है। इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहा कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि शुरू होने वाला है वो 24 दिसंबर को शुरू होने वाला है, और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 15 जनवरी तक फॉर्म फिलअप चलेगा। और इसका ऑनलाइन फीस जो सबमिट कर सकते हैं वो भी 15 जनवरी तक ही दिया गया है। और सबमिशन ऑफ ऑफलाइन चालान अगर देखें तो एक दिन ही है, वो 16 जनवरी। सो इन डेट्स को आप ज़रूर याद रखें, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट दिनों में ही आप फॉर्म फिलअप कर लें।
सो यही कुछ था थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप फर्दर सिलेबस के बारे में अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना मत भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।